हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम वीडियो है वो रिवाइज कर रहे हैं 2023 का ऑल द स्टेट स्कीम्स। ओके, इससे पहले हम ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो में ला चुके हूँ, आप वहाँ पे जाके इसका डिटेल वीडियो चेक कर सकते हैं। दिस इज़ लास्ट मिनट क्विक रिविजन वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हमारी है महतारी वंदना योजना, जिसको किसने स्टार्ट किया है, तो ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। एंड इसमें बेसिकली आपको 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे एज एन इकोनॉमिक असिस्टेंस टू वेमेन। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं कौन, विष्णुदेव राय, एंड यहाँ के गवर्नर हैं जस्टिस रिटायर्ड बिश्वभूषण हरिश्चंद्र। नेक्स्ट जो स्कीम है हमारे पास वो दी गई है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। तो ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने दिल्ली ने दी है, दैट इज़ यूनियन टेरिटरी। एंड इसके अंडर बेसिकली फ्री कोचिंग दी जाएगी एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए। ओके, एंड अगर हम बात करें कि दिल्ली के जो सीएम हैं वो कौन है, तो ये हैं अरविंद केजरीवाल। एंड यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, तो ये है विनल कुमार सक्सेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम, ये किसने स्टार्ट करी है, तो आपको ये पता होगा यूपी की गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। नंद बाबा आप वहाँ से भी रिलेट करके बता सकते हैं। तो मिल्क मिशन से क्या है, तो ये बेसिकली प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज़ टू मिल्क प्रोड्यूसर। तो इसका बेसिकली पर्पस क्या है, तो इसमें ना मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाना यहाँ पे इसका पर्पस रहेगा। ठीक है, एंड अगर हम बात करें स्कीम की कॉस्ट कितनी रहेगी, तो ये रहेगी 1000 CR। एंड आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क में। एंड अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में टॉप पे आता है राजस्थान। मूविंग फॉरवर्ड कलैगनर मलिगर उर्मई तिथम स्कीम, तो ये किसने स्टार्ट करी है, तो कलैगनर हम लोगों ने अभी रिसेंटली 2024 वाली स्कीम में भी देखा था। एंड ये कहाँ का वर्ड है, तो ये तमिलनाडु का वर्ड है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो 1000 रुपीज़ दिया जाएगा पर मंथ टू 1.06 करोड़ वुमेंस को, ठीक है, एंड ये हेड ऑफ़ फैमिली को दिया जाएगा। हेड ऑफ फैमिली, अगर एक फैमिली की हेड एक विमेन है तो वहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे। बट अगर एक फैमिली में ज़्यादा एक से ज़्यादा विमेन हैं, तो ये नहीं होगा कि सबको दिया जाएगा, इट विल बी ओनली फॉर वन विमेन। ओके, देन है हमारे पास मॉब लिंचिंग कंपनसेशन स्कीम। तमिलनाडु का मैंने आपको बता दिया था कि सीएम कौन है, तो ये है एम के स्टालिन एंड गवर्नर हैं आर एन रवि, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास मॉब लिंचिंग कंपनसेशन स्कीम, तो ये किसने स्टार्ट की है, ये एमपी की गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। एंड बेसिकली मॉब क्या होता है, तो मॉब वो होते हैं कि भीड़ जिसे हम बोलते हैं, तो 5 से ज़्यादा लोग के द्वारा अगर आप किसी की डेथ कर दी जाती है, तो उसको हम कहेंगे कि मॉब लिंचिंग हुई है। तो जो भी विक्टम्स होंगे उनको बेसिकली 10 लाख रुपीज़ का कंपनसेशन दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक। एंड अगर जो किलिंग, जैसे मैंने आपको मॉब लिंचिंग के बारे में बताया, तो इट इज़ बेसिकली किलिंग ऑफ एनी पर्सन बाय ग्रुप ऑफ 5 or more, एंड उनका कोई भी रीज़न हो सकता है, बी इट रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव गृह आधार स्कीम, जो कि किसने स्टार्ट करी है, तो ये गोवा की गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा टू होम मेकर्स ऑफ द स्टेट। गोवा के सीएम कौन है, तो ये है प्रमोद सावंत, एंड यहाँ के गवर्नर कौन है, तो ये है पी एस श्रीधरन, राइट। अगर हम अब बात करते हैं मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम, तो ये असम की गवर्नमेंट है, आप यहाँ पे असम देख के ही बता सकते हैं, ये असम की गवर्नमेंट की स्कीम है। एंड बेसिकली इसमें क्या है कि 2 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा टू 2 लाख यंग पीपल। ओके, असम के जो सीएम है वो है हेमंत बिश्व शर्मा, और यहाँ के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। मूविंग फॉरवर्ड
वी हैव भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते स्कीम। तो ये किसकी है? ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट की स्कीम है। एंड इसमें बेसिकली जो ट्राइबल विलेजेस है ना, जैसे ये हमारा मेन रोड है एंड यहाँ पे आपको ट्राइबल तो जंगलों में देखने को मिलेंगे ना, वो मेन रोड से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो इसीलिए उनको मेन रोड से कनेक्ट करने के लिए ये वाली स्कीम स्टार्ट करी है, भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते स्कीम टू कनेक्ट ऑल ट्राइबल विलेजेस टू द मेन रोड। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, तो ये है 5000 CR। एंड अगर हम बात करें यहाँ के CM की, ये है एकनाथ शिंदे एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है रमेश बाइस। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ट्राइब्स कौन कौन से ट्राइब्स हैं महाराष्ट्र में। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना एंड ये बेसिकली इम्प्रूव करेगी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ इट्स रेजिडेंट, राइट। मूविंग फॉरवर्ड युवा त्रिपुरा नितुन नाथुन त्रिपुरा आत्मनिर्भर त्रिपुरा, तो ये त्रिपुरा की स्कीम है एंड बेसिकली इंकरेज कर रही है यूथ को टू सेट अप इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस यूनिट्स इन त्रिपुरा। त्रिपुरा के CM कौन है, तो ये है डॉक्टर मानिक शाह एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है इंद्रा सेन रेड्डी, राइट। एंड अगर हम बात करें हार्टलैंड त्रिपुरा की, तो ये अगेन त्रिपुरा की स्कीम है एंड बेसिकली इन्हांस करेगी एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल ऑफ यूथ ऑफ त्रिपुरा। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड स्कीम्स आपको देखने को मिलती हैं। रोजगार प्रयाग पोर्टल की अगर हम बात करें, तो ये किसकी स्कीम है, ये है उत्तराखंड की स्कीम, ठीक। एंड अगर हम बात करें, ये पोर्टल रहेगा फॉर यूथ टू एम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्कीम्स आई हैं पिछले साल भी एंड इस साल भी, सो आपको वो याद होनी चाहिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, यू कैन गिव इट एज एन एग्जाम्पल्स एंड जो आपको अच्छा लगे वो आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं वहाँ पे। एंड ऑल्सो ये एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी पूछी जाती हैं। तो ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट की स्कीम है एंड ये पोर्टल प्रोवाइड करेगा यूथ को टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी एंड यहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह, ठीक। देन वी हैव नंदा गौरा योजना पोर्टल फॉर गर्ल्स, तो ये बेसिकली अलाउ करेंगी गर्ल्स को टू गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस ताकि वो इम्प्रूव कर सके जो जेंडर रेशियो है एंड प्रमोटिंग गर्ल एजुकेशन। तो ये किसकी स्कीम है, काफ़ी अच्छी स्कीम है एंड ये बेसिकली उत्तराखंड की स्कीम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि अगर हम बात करें कि इसमें जो पेरेंट्स होंगे वो एलिजिबल होंगे, अगर एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है उनके फैमिली में, तो उनको 11,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी 11K रुपीज़ विल बी गिवन एट द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। वहीं पर जब वो 12th पास हो जाती है, आफ्टर क्लियरिंग 12th क्लास शी विल बी प्रोवाइडेड विद 51,000 रुपीज़ आफ्टर क्लियरिंग 12th, ओके। तो ये स्कीम है हमारे उत्तराखंड की। तो बेसिकली ये इसलिए है कि जो जेंडर रेशियो हम देख रहे हैं इंडिया में एंड इट इज़ वेरी क्रिटिकल, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए गर्ल्स की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम शुरू करी है। CM ग्रिड स्कीम की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रिड का यहाँ फुल फॉर्म भी है एक, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। ग्रिड इज़ बेसिकली ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। ये बेसिकली इन्हांस करेगा रोड नेटवर्क एंड ट्रैफिक फ्लो इन द स्टेट्स को। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसको अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी इम्प्लीमेंट कर रही है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, दैट इज अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी, ठीक है। एंड ये बेसिकली इन्हांस करेगी रोड नेटवर्क्स को एंड ट्रैफिक
जो स्टेट ट्रैफिक फ्लो होगा स्टेट के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन क्यों इस बार न्यूज़ में रहा है, तो बेसिकली इसको एक्सटेंड कर दिया गया है बाय मतलब इसका जो टारगेट है वो बाय 2024 के लिए सेट कर दिया गया है, टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। एंड ये कब स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 2019 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति शक्ति स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो ये कर्नाटका की स्कीम है। एंड इसमें बेसिकली जैसे कि हमने दिल्ली में देखा हुआ है कि विमेन को फ्री बस ट्रैवल मिलता है, वैसे ही अब कर्नाटका ने अंडर शक्ति स्कीम यही सेम स्कीम लागू करी है, दैट इज़ फ्री बस ट्रैवल फॉर विमेन। एंड अगर हम बात करें कर्नाटका के सीएम की तो ये है सिद्धारमैया, एंड जो गवर्नर है वो है थावर चंद गहलोत। अगर आपको याद होगा इस बार करंट अफेयर्स की जो स्कीम है उसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर्स के लिए भी फ्री बस ट्रैवल स्टार्ट कर दिया है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है आई स्कीम। आई स्कीम किसकी है, तो ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। एंड इसमें बेसिकली जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर में आपको विमेन कम देखने को मिलेंगी, इसीलिए आई स्कीम का स्टार्ट किया गया है। आई अगर आप देखें मराठी भाषा में आई मींस मदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वन पंचायत वन प्लेग्राउंड स्कीम। तो ये किसकी स्कीम है, ये है केरला की स्कीम। एंड अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको रिवाइव करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। देन है हमारे पास गीता कर्मिकुला भीमा स्कीम। तो ये बेसिकली टॉडी ट्रेपर्स के लिए होती है, टैपर्स के लिए। तो टॉडी टैपर्स कौन होते हैं, बेसिकली जैसे ये हमारा नारियल का पेड़ है, ठीक है, यहाँ नारियल लगे हुए हैं, यहाँ पे लोग चढ़ते हैं एंड देन दे ब्रेक दिस क्या कोकोनट्स। तो उनके लिए काफ़ी खतरा होता है बिकॉज दे डोंट हैव दैट सेफ्टी इक्विपमेंट्स, राइट, उनके पास उतना नहीं होता है वो चीज़। तो पहले तो मैं बता देती हूँ किसकी स्कीम है, ये तेलंगाना की स्कीम है। एंड बेसिकली ये जो यहाँ पे जाके बेसिकली बोला जाता है ताड़ी निकालना, जो ताड़ी निकालते हैं ना उनके लिए ये स्कीम है, तो उनको इंश्योरेंस देगी ये स्कीम, राइट। एंड अगर हम बात करें तेलंगाना के गवर्नर सीएम कौन है यहाँ पे, तेलंगाना के सीएम है अनुमला रेवंत रेड्डी। एंड ये यहाँ के गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सुंदर राजन। नेक्स्ट है हमारे पास शासन आपलाधारी। तो ये आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये महाराष्ट्र की स्कीम है, क्योंकि मराठी लैंग्वेज है, थोड़ी बहुत मेरे को भी आती है बट स्टिल, ठीक है। तो मराठी जो लैंग्वेज है वो है कि शासन आपलाधारी। धारी मतलब डोर हो गया, शासन इज़ बेसिकली कि जो भी शासन हम बोलते हैं ना हिंदी में, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस। तो आपके द्वार पर शासन मिलेगा, मतलब जो भी क्या गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप बेसिकली। तो ये प्रोवाइड करेगी बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एट वन प्लेस, राइट, ये होगा इस जो स्कीम के अंडर। नेक्स्ट है हमारे पास रेशम कीट बीमा प्रोग्राम। ये किसने शुरू किया है, तो ये बेसिकली उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है फॉर सेरीकल्चरिस्ट। ये बेसिकली फर्स्ट ऐसी स्कीम है जो जहाँ पे सेरीकल्चरिस्ट के लिए बीमा योजना ली गई है, क्योंकि पहले हमने देखा है कि एग्रीकल्चर में अगर आपकी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाती है किसी भी रीजंस की वजह से तो आपको उसका कंपनसेशन मिलता है, बट सेरीकल्चरिस्ट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। सेरीकल्चरिस्ट कौन होता है, जो सिल्क वर्म को ना वो करते हैं, लाइक सिल्क वर्म से सिल्क निकालते हैं, उनको सेरीकल्चरिस्ट कहते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम है। उत्तराखंड के सीएम हैं श्री पुष्कर सिंह धामी एंड गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है हमारे पास मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ये यहाँ पे लिख लीजिए स्वरोजगार स्कीम, ठीक है।
तो अगर हम इसकी बात करें तो ये अगेन उत्तराखंड की स्कीम है एंड इसमें बेसिकली जो सिंगल वेमेन है उनको सेल्फ रिलायंट एंड एम्पावर्ड बनाने की ये एक स्कीम है। एंड अगर आपको याद होगा मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी स्कीम्स के ऊपर उसमें मैंने एक और स्कीम के बारे में बताया था, दैट इज़ लखपति दीदी स्कीम, वो भी उत्तराखंड की स्कीम थी, राइट। मूविंग फॉरवर्ड हमें हमारे पास है आयुष्मान असम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इसमें प्रोवाइड किया जाएगा बेसिकली कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अप टू 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो ये किसकी स्कीम है, ये असम की स्कीम है, दैट इज़ असम गवर्नमेंट की स्कीम है। एंड अगर अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्कीम हमारे पास है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल, तो ये किसकी स्कीम है, ये बेसिकली राजस्थान की स्कीम है एंड काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये, राजस्थान में यहाँ लिख देती हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये एक यूज़र फ्रेंडली पोर्टल बनाया जाएगा जो कि एक जॉब प्रोवाइडर्स एंड जॉब सीकर्स दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जॉब प्रोवाइडर्स जो होंगे वो बेसिकली उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर उनको क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ आपको जॉब लोकेशन होगी, वो सारे कुछ बताएंगे। और जो जॉब सीकर्स हैं वो इस पोर्टल पे जाकर अपना एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग या फिर उनको कहाँ जॉब करनी है उस अकॉर्डिंग जॉब ढूंढ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है एंड ये राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास स्वयंपुरा ई बाज़ार स्कीम, तो ये किसकी स्कीम है, ये गोवा की स्कीम है एंड बेसिकली ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो सेल करेगा प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया जो कि बनाए गए हैं बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप, लोकल आर्टिशंस एंड वेमेंस, इन सबको प्रमोट करने के लिए, इनकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए स्वयंपुरा ई बाज़ार करके एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है गोवा गवर्नमेंट की द्वारा, जिसमें आपको इनकी बनाई हुई चीज़ें कहीं पे भी इंडिया में मिल जाएंगी। हॉक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हॉक का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, ठीक है। ये किसकी स्कीम है, तो ये बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कीम है एंड ये एक स्पेशलाइज सिस्टम है टू मॉनिटर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम। जो हम देख रहे हैं आजकल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर कोई पोचिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट मॉनिटर करने के लिए ये हॉक्स जो सिस्टम है वो बनाया गया है, जिसका मीनिंग है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। एंड ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये कर्नाटका के गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। देन वी हैव समाधान स्कीम, एंड समाधान स्कीम की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एड्रेस कर रही है एड्रेस एंड रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज रिलेटेड टू पेंडिंग टैक्स अरियर डिस्प्यूट्स एंड अपील्स बिटवीन द ट्रेडर्स एंड स्टेट कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये समाधान करेंगी बेसिकली एंड ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की स्कीम है। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, एंड ये बेसिकली इंस्टॉल करेंगे इमरजेंसी डिवाइसेस इन पब्लिक प्लेसेस। जैसे कि अब हम देखते हैं कि कभी कभी आजकल तो हार्ट अटैक इतने कॉमन हो रहे हैं कि कहीं पे भी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, एंड इट इज़ नॉट अबाउट दी एज कि आपको इस पर्टिकुलर एज पे ही जाके होंगे। सो मैं ये जस्ट थोड़ा सा डिविएट होना चाहूँगी यहाँ से कि अपने हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिए, अभी गर्मियाँ भी आने लगी हैं, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड ऑलवेज एंड अपने साथ साथ पक्षियों का भी ख्याल रखें, छत पे पानी ज़रूर रखें उनके लिए भी। ओके, लेट्स कम फॉरवर्ड कम बैक टू द टॉपिक। तो ये हम जो हमारा डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना है इसके अंडर बेसिकली जो डिफरेंट प्लेसेस होंगी पब्लिक प्लेसेस, वहाँ पे इमरजेंसी डिवाइसेस लगाए जाएंगे फॉर दोज हु सफ़र फ्रॉम हार्ट अटैक। लाइक हार्ट अटैक में बेसिकली आपको ना क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, तो आप रिवाइव कर सकते हैं पेशेंट को, तो उसके लिए पब्लिक प्लेसेस पे ये वाली इक्विपमेंट्स लगाई जाएंगी।
सो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। एंड ये अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक लर्न एंड अर्न स्कीम है। एंड ये किसके द्वारा स्टार्ट करी गई है, तो ये एमपी की गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट करी गई है। तो इसमें क्या होगा कि आपको बेसिकली स्किल एंड नॉलेज दिया जाएगा टू अनएम्प्लॉयड यूथ, ठीक है, जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ होंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है आजकल इंडिया में अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उसकी वजह से उनकी पहली डिमांड क्या होती है कि स्किल्स नहीं होते हैं, ठीक है, वी डोंट हैव स्किल्स, हमें बेसिकली चीज़ें पता होती हैं बट वी डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट देम। तो इसीलिए इस बैरियर को हटाने के लिए स्किल जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना स्टार्ट करी गई है बाय एमपी गवर्नमेंट। नमो शेतकारी महासम्मान योजना, इसमें बेसिकली फार्मर्स को ना 6,000 रुपये पर महीने दिए पर ईयर दिए जाएंगे। एंड ये किसने स्टार्ट किया है, तो ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ये एडिशनल 6,000 रुपये होंगे जिस जो कि ऑलरेडी एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है 6,000 रुपये अंडर पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम। एंड ये एडिशनल उन जो महाराष्ट्र के फार्मर्स हैं उनको दिया जाएगा, तो यानी पर ईयर उनको 12,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। मोगरा स्कीम की अगर हम बात करें तो ये कहाँ की स्कीम है, ये उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है। एंड इसमें बेसिकली बेनिफिशरीज विल गेट ₹3 लाख एज हाउसिंग लोन। ये बेसिकली जो अपना हाउसिंग स्कीम्स है ना जो रूरल एरियाज़ के लिए बनी हैं उनके लिए 3 लाख रुपए का हाउसिंग लोन दिया जाएगा। सीएन सुख आश्रय सहायता स्कीम की अगर हम बात करें तो ये किसकी स्कीम है, ये हिमाचल प्रदेश की स्कीम है, हिमाचल प्रदेश। एंड ये बेसिकली हायर एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा टू नीडी चिल्ड्रन एंड डेस्ट्यूट वुमेन, ठीक है, जो निराश्रित महिलाएं होती हैं उनके लिए ये स्कीम है। एंड जो नीडी चिल्ड्रन हैं उनको बेसिकली हायर एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। स्कूल ऑफ एमिनेंस की अगर हम बात करें ये कहाँ की स्कीम है, ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट करी गई है। एंड इसमें बेसिकली 117 गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनको अपग्रेड करा जाएगा, उनमें स्मार्ट क्लासेस लगाई जाएंगी, उनका जो करिकुलम है उनको इम्प्रूव करके एक अच्छा बेहतर स्कूल बनाने का टारगेट रखा गया है अंडर स्कूल ऑफ एमिशन प्रोग्राम बाय पंजाब गवर्नमेंट। नेक्स्ट है लाडली बहना योजना, तो ये बेसिकली जो ऑल द पुअरस्ट सिस्टर्स हैं उनको दिया जाएगा 1,000 रुपीज़ पर मंथ। ये कहाँ की स्कीम है, तो ये एमपी गवर्नमेंट की स्कीम है। नेक्स्ट है हमारे पास 100 डेज टू बीट प्लास्टिक, ये कहाँ की स्कीम है, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है। जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है वर्ल्ड के लिए, उसको बीट करने के लिए ये वाली जो स्कीम है वो चालू करी गई है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। वनीकरण की अगर हम बात करते हैं तो वनीकरण एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है अफॉरेस्टेशन, तो ये बेसिकली केरला की स्कीम है। एंड यहाँ पे रिस्टोर किया जाएगा नेचुरल वेजिटेशन को, ठीक है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे एंड नेचुरल वेजिटेशन को रिस्टोर करने का कोशिश करी जाएगी। देन है हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्कीम, तो ये भी अगेन केरला की स्कीम है। एंड इसमें गवर्नमेंट जो है वो रिफ़ंड कर देगी 10 लाख रुपए टू स्टार्टअप, बट क्यों करेगी वो इस कंडीशन पे करेगी कि अगर आप जो टेक्नोलॉजी है अपने स्टार्टअप के लिए वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ख़रीदते हैं तो आपको ये 10 लाख रुपए वापस कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट स्कीम जो है हमारे पास वो है लक्ष्मी बस सर्विस स्कीम, ये बेसिकली उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है। एंड इसमें ऑफ़र किया जाएगा रिलायबल एंड अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांजिट, ठीक है, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें ये स्कीम चालू करी जाएगी एंड आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अफोर्डेबल रेट में दिए जाएंगे। देन वी हैव अमा उड़ीसा नबीन उड़ीसा, तो ये बेसिकली बूस्ट करेगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग जगन्नाथ कल्चर, ठीक है, तो ये जो इनमें क्या होगा ना, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो पंचायत को फंड
देगी एंड उसमें आपको बूस्ट करना होगा रूरल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एंड जगन्नाथ कल्चर को भी। तो ये उड़ीसा से हमें समझ में आ रहा है कहाँ की स्कीम है, उड़ीसा की स्कीम है। देन है हमारे पास मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, एंड ये कहाँ की है, तो ये अगेन हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश। एंड ये बेसिकली प्रोवाइड करेगी कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टू ऑफन स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, डेस्ट्यूट वुमेन एंड एल्डरलीज को सपोर्ट करने के लिए सुख आश्रय योजना दिया गया है। आप अगर हिंदी समझते हैं तो आपको पता होगा आश्रय देना क्या होता है, बेसिकली उनको शेल्टर प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। तो आप वैसे भी मीनिंग निकाल सकते हैं किसी भी योजना का। वन मित्र स्कीम, तो वन मित्र से आपको पता चल रहा है कि वन तो जंगल होते हैं, राइट, तो उनके उससे रिलेटेड कुछ स्कीम होना चाहिए। एंड ये किसकी स्कीम है, तो ये हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। एंड ये स्ट्रेंथन करेगा पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एरियाज़ के लिए। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना, जो प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल हेल्थ कवरेज ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर टू ऑल द असम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पेंशनर्स एंड देयर डिपार्टमेंट्स के लिए। तो ये किसकी है, ये असम स्कीम, असम गवर्नमेंट की स्कीम है, जो कि ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर देगी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पेंशनर्स हैं या फिर डिपेंडेंट्स हैं, उनके इलाज के लिए। ई कैबिनेट किसने शुरू करी है, तो ये त्रिपुरा ने शुरू करी है। तो इसमें क्या होगा, हर चीज़ अब पेपरलेस होने लगेगी, ठीक है। टू प्रमोट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस एंड इंफॉर्मेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव ए हेल्प प्रोग्राम, एंड ये किसने स्टार्ट किया है, तो ये झारखंड के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। एंड ये एम टू एम्पावर वुमेन बाय इंडक्टिंग देम एज रिकग्नाइज एजेंट, दीज एजेंट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू डिजीज कंट्रोल, एनिमल टैगिंग एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस। तो इसके लिए ए हेल्प प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है बाय झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये था अबाउट ऑल द स्कीम्स जो कि 2023 में इम्पॉर्टेंट रही हैं। डिटेल वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में बताया है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में एक बार रिवाइज करवा दिया है आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।